हेलो दोस्तों, आज मैं आपको चार बल्ब होल्डर का कनेक्शन चार स्विच के साथ करके दिखाऊंगा। तो आप आज के मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए सबसे पहले हम चारों स्विच में फेज के तार का कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमें चारों स्विच के नीचे वाले पिन में तार लगा देना है। देखिए, पहले वाले स्विच के नीचे वाले पिन में मैं इस तार का कनेक्शन कर रहा हूँ। आपको जितना लंबा तार चाहिए आप उतना लंबा तार यूज कीजिए। मैं तो सिर्फ आपको ये करके दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, पहले वाले स्विच के नीचे वाले पिन में मैंने जिस तार को लगाया है उसी तार को दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देना है, और फिर दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में एक तार और लगाना है और इसे कस लेना है। ये फेज का कनेक्शन है दोस्तों। स्विच में हमेशा फेज के तार का ही कनेक्शन किया जाता है, तो यहाँ पर मैंने फेज के लिए लाल तार यूज में लिया है। अब देखिए, दूसरे वाले स्विच से जो तार निकला है उसे हमें तीसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देना है। अब हमें तीसरे वाले पिन में भी एक तार और लगाना है और फिर इसे भी कस लेना है। दोस्तों, मैं जिस तरह से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ उस तरह से आपको और कोई नहीं समझाएगा, इसलिए प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, तीसरे वाले स्विच से जो तार निकला है उसे अब हमें चौथे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। अगर आप इसमें और भी स्विच का कनेक्शन करना चाहते हैं तो इस तार को आगे की तरफ निकाल कर स्विच का कनेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें हमें सप्लाई के तार को कहाँ लगाना है, तो आप चारों स्विच में से किसी भी एक स्विच में सप्लाई दे सकते हैं। तो मैं पहले वाले स्विच में ही दे देता हूँ फेज सप्लाई। आप किसी भी स्विच में इस तार का कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन स्विच के नीचे वाले पिन में ही हमें इस तार का कनेक्शन करना है, ऊपर में नहीं करना है। अब इस तार की मदद से सभी स्विच को फेज का सप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि हमने सभी स्विच में फेज के तार का कनेक्शन किया हुआ है। आप इसमें जितना भी स्विच का कनेक्शन करना चाहें कर सकते हैं, बस स्विच को आगे की तरफ इस तरह से कनेक्शन करते जाना है। अब चलिए दोस्तों, हम चारों बल्ब होल्डर में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए, न्यूट्रल के तार में मैं एक छोटा सा तार ज्वाइंट कर रहा हूँ। आपको भी इस तरह से तार को ज्वाइंट कर देना है और फिर बल्ब होल्डर के किसी भी एक पिन में इस तार का कनेक्शन कर देना है। आप बल्ब होल्डर के किसी भी एक पिन में इस तार को लगा सकते हैं। बल्ब होल्डर के एक पिन में हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना होता है, तो आप किसी भी पिन में इस तार को लगा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस तार के साथ हमें फिर से एक तार और ज्वाइंट करना है, और फिर इस तार को हमें दूसरे वाले बल्ब होल्डर के एक पिन में लगा देना है। जिस तरह से हमने स्विच में फेज के तार का कनेक्शन किया है, ठीक वैसे ही हमें सभी बल्ब होल्डर में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन करना है। देखिए, यहाँ पर मैंने इस तार का कनेक्शन कर दिया। अब हमें फिर से एक तार और ज्वाइंट करना है इस तार में। अब ये वाला तार तीसरे वाले बल्ब होल्डर में लगेगा, तो मैं इस तार को इस वाले बल्ब होल्डर के एक पिन में लगा देता हूँ। दोस्तों, न्यूट्रल का कनेक्शन स्विच में नहीं किया जाता है, यह सीधा बल्ब होल्डर में कनेक्शन होता है। आप यहां बल्ब होल्डर के जगह पर सीलिंग फैन का भी कनेक्शन कर सकते हैं, कनेक्शन सेम ही होगा। यह जरूरी नहीं है कि आप स्विच के साथ बल्ब होल्डर का ही कनेक्शन करें, आप इसमें 5-पिन सॉकेट या और किसी चीज का भी कनेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए, ये वाला तार यहाँ पर लगेगा। इस तरह से हमें सभी बल्ब होल्डर में एक एक करके न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर लेना है। देखिए दोस्तों, इतने में फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया। अब हमें स्विच के साथ बल्ब होल्डर का कनेक्शन करना है। तो देखिए, चारों बल्ब होल्डर और चारों स्विच का एक एक पिन खाली बचा हुआ है, तो हमें बल्ब होल्डर के खाली बचे हुए पिन में तार का कनेक्शन करना है। जो बल्ब होल्डर का पिन खाली है उसी में लगाना है इस तार को। दोस्तों, आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बोलकर समझा दे रहा हूँ कि जो खाली पिन है उसी में इस तार का कनेक्शन करना है। देखिए, इसी तरह से हमें बाकी के भी बल्ब होल्डर में तार का कनेक्शन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं दूसरे वाले होल्डर में इस तार को लगा देता हूँ। खाली वाले पिन में लगाना है इस तार को। ये देखिए, इसका कनेक्शन हो गया। अब हमें तीसरे वाले बल्ब होल्डर में तार का कनेक्शन करना है, तो इसका भी जो पिन खाली बचा हुआ है उस पिन में इस तार को लगा लेना है और अच्छे से कस लेना है। देखिए, इसमें भी मैंने तार को लगा दिया। अब मैं इस चौथे वाले बल्ब होल्डर में भी तार को लगा लेता हूँ, तो इसके भी खाली वाले पिन में तार को लगाना है। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि इन तार का कनेक्शन हमें कहाँ पर करना है। तो देखिए, आप जिस भी बल्ब के तार को जिस वाले स्विच में लगाएंगे
वो वाला स्विच उस बल्ब को ऑन ऑफ करेगा। तो मैं पहले वाले बल्ब होल्डर को पहले वाले स्विच में कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए स्विच के ऊपर वाले पिन में लगाना है इस तार को। आप इस तार को किसी भी स्विच में लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसे इसी वाले स्विच में लगाएं, आप किसी भी स्विच में किसी भी बल्ब होल्डर का कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए मैं दूसरे वाले होल्डर के तार को दूसरे वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में लगा रहा हूँ। आपको इस तार को ऊपर वाले पिन में ही लगाना है, नीचे में नहीं लगाना है, नहीं तो आपका बल्ब स्विच से ऑन ऑफ नहीं होगा। अब देखिए यह तीसरा वाला होल्डर का तार है, तो मैं इसे इस वाले स्विच में लगा देता हूँ। अब इस वाले स्विच से तीसरा वाला बल्ब ऑन ऑफ होगा। इसी तरह से हमें चौथे वाले बल्ब होल्डर के तार को भी स्विच के ऊपर में कनेक्शन कर लेना है। मैं इसे इस वाले स्विच में लगा देता हूँ। दोस्तों मैं अभी इसकी टेस्टिंग करके तो आपको नहीं दिखाऊंगा, मैंने बस इसका कनेक्शन करके आपको समझाने का प्रयास किया है।